एमडीएच मसालों का विज्ञापन और विज्ञापन में दिखने वाले देश विदेश में मशहूर एमडीएच मसाले के संस्थापक धर्मपाल गुलाटी का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह 5:30 बजे धर्मपाल ने विकासपुरी स्थित एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि वो काफ़ी दिनों से बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे। महाशय धर्मपाल गुलाटी IIFSL हरून इंडिया रिच 2020 की सूची में शामिल भारत के सबसे बुजुर्ग अमीर शख्स थे। कभी उनके पास कुल जमा पूंजी 1500 रुपये ही थी, लेकिन आज उनकी अपनी दौलत 5,400 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। खुद उन्हें सालाना 25 करोड़ का वेतन मिलता था। 98 वर्षीय गुलाटी का वेतन किसी अन्य FMCG कंपनी के CEO के मुकाबले सबसे अधिक था। उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। धर्मपाल गुलाटी दी हट्टी के मालिक धर्मपाल गुलाटी परिवार सहित 1947 में देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत चले आए और दिल्ली में आकर टांगा चलाना शुरू किया। भारत आने के समय उनके पास मात्र 1500 रुपये ही बचे थे, जिससे उन्होंने 650 रुपये में घोड़ा और टांगा खरीदकर रेलवे स्टेशन पर चलाना शुरू किया। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने भाई को टांगा देकर करोल बाग की अजमल खान रोड पर मसाले बेचने का काम शुरू किया। धर्मपाल के मसाले की दुकान के बारे में जब लोगों को ये पता चला कि सियालकोट के देगी मिर्च वाले अब दिल्ली में हैं, उनका कारोबार फैलता चला गया। गुलाटी परिवार ने मसालों की सबसे बड़ी फैक्ट्री 1959 में राजधानी दिल्ली के कीर्ति नगर में लगाई थी। इसके बाद उन्होंने करोल बाग में अजमल खान रोड पर एक ऐसी ही और फैक्ट्री लगाई। 60 के दशक में MDH करोल बाग में मसालों की मशहूर दुकान बन चुकी थी। फिलहाल अब धर्मपाल गुलाटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके पीछे उनका पूरा परिवार है। धर्मपाल गुलाटी सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जो अपने मसालों के ऐड खुद करते थे।